गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सादर प्रणाम, अस्सलाम वालेकुम। सभी वाहेगुरु, ये सभी धर्मों को मानने वाले जितने भी मेरे अजीज मित्र हैं, छात्र हैं, मेरे हृदय की कणिकाओं के बीच रहने वाले जो सभी मेरे अजीज हैं, उन सभी को मैं मेरे YouTube चैनल पर और मेरे कोचिंग संस्थान के चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। इस मोबाइल के माध्यम से आपकी ये मुस्कान मेरे तक पहुंच रही है और जो भावनाएं आपकी मेरे साथ जो शुद्ध जुड़ी हुई है, उन भावनाओं से मेरे में पॉजिटिविटी एनर्जी जो बढ़ रही है, ये साक्षात्कार आपकी ही देन है। चलो बिंदु पर आते हैं, टॉपिक के साथ जुड़ते हैं और एक अच्छे प्रेम संबंध के रूप में एक स्त्री का वो वाकया पढ़ाते हैं जिससे आप वर्तमान में गुजर रहे हो। तो देखिए, अब आपका जो टॉपिक था उस टॉपिक का नाम था रणथंभौर रियासत होगी। एक बात फिर भी हम चर्चा कर लें कि ये रियासत है जहां भी एक वंश विकसित हुआ, उस वंश का नाम क्या है? चौहान वंश है। देखो, चौहान वंश, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, राय पिथौरा, एक ऐसा सम्राट जिसके पास दो दो रानियों के ऑफर आते हैं। आज कई बंधु तो तैयारी करने वाले ऐसे हैं जो ऑफर की लाइन में भी बहुत इंतजार कर रहे हैं लंबे समय से। तो इस पृथ्वीराज चौहान का पुत्र था और उस पृथ्वीराज चौहान के पुत्र का नाम था गोविंद तृतीय। एक बात फिर हम डिस्कस कर लें कि आप कहोगे सर, पानीपत के द्वितीय युद्ध में गोविंद राज नामक व्यक्ति था जो पानीपत नहीं, त्राइन के पहले युद्ध में गोविंद राज नामक एक सेनापति ने घायल कर दिया था मोहम्मद गोरी को और फिर दूसरे में मारा गया था, वो सेनापति था। और ये जो गोविंद तृतीय था, ये पृथ्वीराज चौहान का पुत्र था। इस पृथ्वीराज चौहान के पुत्र ने कहां पर जाके, यानी कि रणथंभौर जाकर, थंभौर जाकर एक रियासत की स्थापना की थी और वो रियासत किसके नाम से प्रसिद्ध हो गई? चौहान वंश के नाम से प्रसिद्ध हो गई। इसका नाम रणथंभौर कैसे बड़ा? रण प्लस थंभ, ये दो क्या है? पहाड़ी है। एक बात तो आप इसको बहुत विशेष याद रखोगे, रण और थंभ नाम की दो पहाड़ी है। दूसरी बात देखिए, इसका नाम रणथंभौर इसलिए भी है कि रणनाथ नाम राव नामक व्यक्ति है, रणनाथ राव नामक व्यक्ति ने 944 ईस्वी में, कितनी ईस्वी में? 944 ईस्वी के अंतर्गत इस किले का निर्माण करवाया था, इसलिए इस किले के नाम पर इस जगह का नाम रणथंभौर हो गया था। दूसरी बात देखिए, रणथंभौर जो किला है, जो एक रियासत के रूप में प्रसिद्ध है, राजस्थान के पहली बार परियोजना सन 1973 जो संचालित हुई थी वो इसी रणथंभौर अभ्यारण्य में स्टार्ट हुई थी। दूसरी बात, ये रणथंभौर रियासत सन 1763 ईस्वी तक इस रियासत का नाम रणथंभौर था, लेकिन 1763 ईस्वी में जयपुर के शासक बने थे और उस शासक का नाम था सवाई माधो सिंह। सवाई माधो सिंह ने जयपुर से अलग इस रणथंभौर रियासत को एक नया नाम दे दिया था और उसका अपने नाम से क्या था? सवाई माधो सिंह था। किसी शायर ने माधो सिंह पर लिखा था, हम तेरे नाम पर रियासत बसा दिया, बसा देते, अगर दिल से गुजरते कोई सपने तो हकीकत बना देते, हम नहीं गुजर पाए उन वास्तविकताओं से, लेकिन आप कह देते तो हम रणथंभौर पर आपके नाम का कीर्तिमान बना देते। तो इसने, सवाई माधो सिंह ने, ये सवाई माधोपुर क्षेत्र की स्थापना की और 1763 में यही रणथंभौर सवाई माधोपुर के नाम से प्रसिद्ध हो। इसके बाद में ये रणथंभौर किला बना राजस्थान के इतिहास का सर्वश्रेष्ठ किला है। ये कुछ क्वेश्चन अगर मैं बोर्ड पे लिखूंगा तो थोड़ा सा वक्त जाया होगा, इसलिए उस प्रश्न में आप तक भेज रहा हूं, बड़े ध्यान से आप सुनेंगे। इस रणथंभौर किले के अंतर्गत क्या क्या दर्शनीय स्थल है, गौर से देखिएगा। रणथंभौर किला जो है उसमें जोगी महल बना हुआ है, लेकिन आपसे जोग माता पूछे तो जागोर लिखना है। अगर आपको एक शब्द पूछे जोगी महल कहाँ है, तो जोगी महल रणथंभौर में है, लेकिन आपसे पूछा जाए जोग माया का मंदिर कहाँ है, तो जागोर किले के अंतर्गत है।
कहते हैं किसी ने सच लिखा हम जोग से जोगी बन गए थे, तेरे प्रेम में हम फकीर बन गए थे, रियासत के दौर में हम तुम्हें भुला नहीं पाए, जब तुमसे प्रेम हुआ तो हम हकीकत में ही बन बैठे थे, आपके फकीरी में हमने जीवन यतीत कर दिया था। तो ये जोग माया जो एक देवी है जालौर और जोगी मंदिर है वो रणथंभौर है। दूसरी बात, यहाँ पर जोरा भोर का महल है। कौन सा महल है? जोरा भोर। देखो भोर का अर्थ होता है सुबह और जोरा शब्द का अर्थ होता है, आपने एक फिल्म पढ़ी थी, मूवी थी जोरू का गुलाम, यानी जोरू कहते हैं वो अर्धांगिनी को कहते हैं। तो यहाँ पर जोरा भोर का महल है, ये जोरा भोर सुबह का महल नहीं है, ये अनाज के गोदाम हुआ करते थे, उन अनाज के गोदामों को जोरा भोर का महल कहते हैं। इस रणथंभौर किले के अंतर्गत एक महल और बना हुआ है और उस महल का नाम है सुपारी महल है। इसके अंतर्गत कई जलाशय बने हुए, पदम गंगा जिसके अंतर्गत रंगा देवी ने जल जोहर किया था, पदम गंगा, गुप्त गंगा, उसके अलावा राजाबाई तालाब, गिलोही तालाब, ये कई तालाब जो है वो रणथंभौर इस किले की शान बढ़ाते हैं। यहाँ पर कुत्ते की छतरी बनी हुई है, यहाँ पर सद्गुदीन संत की दरगाह बनी हुई है। सद्गुदीन संत के अलावा हमीर देव ने अपने पिता जयसिंह के 32 साल राज करने के उपलक्ष्य में 32 खंभों की छतरी बनाई थी। राजस्थान के इतिहास में सबसे बड़ी जो छतरी है वो छतरी जो है वो 84 खंभों की है, जो यानी अनिरुद्ध ने बनवाई थी दहबाई देवी और देवा गुजर के सम्मान में बनवाई थी। 80 खंभों की छतरी विनय पाल सिंह ने बनवाई थी अपने पिता बख्तावर सिंह और अपनी माता जो थी मूसी रानी, उस माता मूसी रानी के सम्मान में इस छतरी का निर्माण हुआ था। फिर 32 स्तंभों की छतरी जोधराज बदनोर की थी और 32 स्तंभों की छतरी इस सद्गुदीन संत की थी, जो यहाँ पर इस दुर्ग की आभा बनी हुई है, बहुत ही सर्वश्रेष्ठ रूप से बनी हुई है। इस दुर्ग की दूसरी चीज क्या कहलाती है? इस दुर्ग के अंतर्गत क्या बना हुआ है? त्रिनेश गणेश मंदिर बना हुआ है। क्या बना हुआ है? त्रिनेश गणेश मंदिर बना हुआ है। ध्यान से देखिए, रोचक बनी है, उसी से जुड़िए। त्रिनेश गणेश मंदिर बना हुआ है, इसका दूसरा नाम है लेटे हुए गणेश का मंदिर है। आज बुधवार है, गणेश चतुर्थी है। कहा जाता है कि उस परम पिता परमेश्वर को याद करने में ओम यज्ञ जन्म दर्वस्थानी दर्वाणी प्रथम स्थानात एक महिमा सचत्र, गणेश जी को अगर याद करते हो तो यहाँ त्रिनेश गणेश मंदिर लेटे हुए गणेश का मंदिर है। मैं एक बात नोट करके बता दूं कि राजस्थान में कितने गणेश प्रसिद्ध हैं, तो ध्यान से देखिए। नाचना गणेश कहाँ के प्रसिद्ध है? तो नाचना गणेश अलवर के प्रसिद्ध है। बाजना गणेश कहाँ के प्रसिद्ध है? तो बाजना गणेश प्रसिद्ध है वो कहाँ के प्रसिद्ध है? सिरोही के प्रसिद्ध है। मुरला गणेश कहाँ के प्रसिद्ध है? तो मुरला गणेश जो है वो मुरला गणेश कहाँ के प्रसिद्ध है? डूंगरपुर के प्रसिद्ध है। कहाँ के प्रसिद्ध है? डूंगरपुर के प्रसिद्ध है। मुरला गणेश के अलावा यानी खोड़ गणेश कहाँ के प्रसिद्ध है? तो खोड़ गणेश जो है वो खोड़ गणेश किशनगढ़ के प्रसिद्ध है। अगर यहाँ पर खेड़ गणेश पूछ ले तो कहाँ के प्रसिद्ध है? बाड़मेर के प्रसिद्ध है। हरम्बे गणपति, हरम्बे बे गणपति या सिंह गणेश जो आपके हैं वो गणेश कहाँ के प्रसिद्ध है? बीकानेर के प्रसिद्ध है। खड़े गणेश कहाँ के प्रसिद्ध है? तो खड़े गणेश कहाँ के प्रसिद्ध है? कोटा के प्रसिद्ध है। गणेश जी का प्रसिद्ध त्योहार आता है भाद्र मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी को, गणेश चतुर्थी का उत्सव जो मनाया जाता है वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध महाराष्ट्र का है। गणेश जी उत्सव का आयोजन 1893 ईस्वी के अंतर्गत किया गया था लोकमान्य बाल गंगाधर जी तिलक के द्वारा, और दूसरा शिवाजी उत्सव किया था 1896 में, वो भी लोकमान्य बाल गंगाधर जी तिलक के द्वारा किया गया। इस गणेश जी भगवान का सुप्रसिद्ध मंदिर रणथंभौर है। जिस किसी की शादी होती है तो वो अपना पहला निमंत्रण उसी गणेश जी भगवान को भेजा जाता है। लेकिन यहाँ इसी मंदिर में जब एक नवविवाहित स्त्री आती है, भगवान की दया से उसके डोरे डांडे कांकर पूजे जाते हैं, पूजने के बाद वो किसका व्रत करती है? करवा चौथ का व्रत करती है। और करवा चौथ जो है वो भी किस किले में है? रणथंभौर किले में। किस किले में है? रणथंभौर किले के अंतर्गत है। करवा चौथ पर अगर आप कंफ्यूज हो जाओ तो एक चीज याद रखना,
करवा चौथ पर सिर्फ आपको एक शब्द लिखना है, कह कह पे क्या लिखोगे? कबूतरी बोले कबूतर से मुझे देखना छत के ऊपर से, तो यहां पर एक शब्द बन जाएगा कबूतरी नृत्य। कबूतरी नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? चूरू से। लेकिन कबूतरी ने कबूतर से खा मुझे देखना छत के ऊपर से, तो उस पर एक शब्द आ जाएगा कबूतर खाना। ये कबूतर खाना कहां का प्रसिद्ध है? अल्बर्ट हॉल जयपुर क्षेत्र है, वहां पर कबूतर खाना प्रसिद्ध है। लेकिन तीसरे कैसे देखिए, तीसरे चीज पर यानी कि आती है करवा चौथ। करवा चौथ, ये करवा चौथ कब आती है भाई? करवा चौथ आती है, वो आती है कार्तिक मास में। लेकिन कार्तिक मास के कौन से पक्ष में आती है? कृष्ण पक्ष में आती है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के साथ पूजा किसकी होती है? कर्मों की पूजा होती है। कर्मों की पूजा के साथ जो करवा चौथ है वो किसकी कुलदेवी है? तो आप लिखोगे कंजर जाति की कुलदेवी है, और कंजर जाति है वो ज्यादा बोलती है। और भारतीय नारी की भी विशेषता है कि वो बोलने के बाद रुकती नहीं, और नहीं रुकती है तो इसके लिए यानी उसको कांजरी भी कहते हैं सभ्य शब्दों में। तो यानी कंजर जाति की कुलदेवी है वो करवा चौथ है, ज्यादा बोलती है। कंजर जाति होती है वो किसका प्याला पी के झूठी कसम नहीं खाती? हाकिम जी का प्याला पी के ये झूठी कसम नहीं खाती है। हाकिम ये यानी कि उस समय केंद्र शासित या खालसा भूमि के अधिकारी भी होते थे। दूसरी बात, ये कंजर जाति जो है ये सर्वाधिक सवाई माधोपुर क्षेत्र के अंतर्गत होती है। कंजर जाति जब चोरी करती है उससे पहले क्या करती है? पाती मांगती है। पाती मांगने का मतलब है मन्नत मांगती है, हनुमान जी की मन्नत मांगी जाती है। इनके मकानों को क्या कहते हैं? मचान कहते हैं। और इनके मकानों के कभी खिड़कियां नहीं होती क्योंकि ये चोरी करके फिर भाग जाते हैं। ये करवा चौथ का प्रसिद्ध जो मेला लगता है वो कहाँ लगता है? तो आप यहाँ पर एक शब्द लिखोगे चौथ का बरवड़ा। लेकिन याद रखना भारत की औरत के दो चीज बड़ी है, एक श्रृंगार और दूसरी चीज है यानी कि उसका बाह्य सौंदर्य। तो करवा चौथ के बरवड़े में एक चीज मिलती है, और उस चौथ के बरवड़े के अंतर्गत एक धातु है जिसका नाम है सीसा प्लस जस्ता। कौन सी चीज है? सीसा प्लस जस्ता। सीसा और जस्ता से शब्द बनता है ग्लेना। 2010 की आरएस एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ है ग्लेना जो बनता है, और ग्लेना जो जस्ते का जो मात्रक ग्लेना सीसा का जो होता है वो फ्लेमिंग होता है। दूसरी चीज यहां देखिए, सीसा और जस्ते का सर्वाधिक भंडार राजस्थान में मिलता है, वो कहां मिलता है? रामपुरा अगुच्चा नामक स्थान पर। और दूसरा है खो दरीबा जो अलवर क्षेत्र का स्थान है। राजपुरा दरीबा जो यानी ये तो है भीलवाड़ा का जहां भंडार है, और ये उत्पादन का जहां पर कहां है? राजसमंद है। और खोदरीबा ये है आपका अलवर में, और जोत का बरवड़ा सवाई माधोपुर में। श्रीनगर हाथी भाटा अजमेर के है, यानी श्रीनगर तहसील है और हाथी भाटा जो क्षेत्र है वो आपके कहां के हैं? अजमेर के हैं, जहां पर सीसा जस्ता निकलता है। ये जोत के बरवड़े के लिए यहां पर काफी प्रसिद्ध क्षेत्र में रहा है। इस रणथंभौर किले की कुंजी कहा जाता है वो किसको कहते हैं? जाहिन दुर्ग को कहते हैं। रणथंभौर किले की कुंजी किसे कहते हैं? जाहिन दुर्ग को कहते हैं। ये जाहिन दुर्ग रणथंभौर से पहले छोटा किला है। आपको ये पूछ ले कि सवाई माधोपुर क्षेत्र में कौन कौन से किले हैं, तो ध्यान रखना उसके अंतर्गत किले आते हैं जाहिन दुर्ग, रणथंभौर से पहले छोटा किला। दूसरा किला कौन सा आता है? शिवाड़ का किला। ये जो शिवाड़ का किला है भगवान शिव ने 12 ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध है, और 12वां जो ज्योतिर्लिंग है वो इस शिवाड़ के मंदिर या किले को ही माना गया है। 12वां ज्योतिर्लिंग जो है वो है। और यानी बरसाड़ का किला, ये बरसाड़ का किला जो है बरसाड़ किला ये भी कहाँ का प्रसिद्ध है? सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध है। सवाई माधोपुर क्षेत्र जो आपका है उस रणथंभौर किले के तीन दरवाजे हैं। कितने दरवाजे हैं? तीन दरवाजे। तीन दरवाजे कौन से हैं? तोरण दरवाजा, एक तो तोरण दरवाजा, दूसरा कौन सा है? त्रिपोलिया दरवाजा, तीसरा कौन सा है? तीसरे नंबर पर आता है अंधेरी दरवाजा। अंधेरी दरवाजा, ये दरवाजों का निर्माण किसने करवाया? तोरण दरवाजा जो बनाया वो किसने बनवाया था? चौहानों ने बनवाया था। त्रिपोलिया दरवाजा किसने बनवाया? जयपुर के शासकों ने बनवाया था।
अंधेरी दरवाजा किसने बनवाया था? मुसलमानों ने बनवाया था। और इन तीनों दरवाजों का जो यानी एक सामूहिक नाम बनता है, उस सामूहिक नाम का नाम क्या है? नवलखा दरवाजा। क्या बनता है उसका नाम? नवलखा दरवाजा बनता है। और ये नवलखा दरवाजा प्रसिद्ध है, वो कहाँ का है? वो भी रणथंभौर का है। राजस्थान के इतिहास में नवलखा पर कितने कंपटीशन के क्वेश्चन है? तो नवलखा दरवाजा प्रसिद्ध है, रणथंभौर का प्रसिद्ध है। अगर नवलखा महल आ जाए तो नवलखा महल कहाँ का प्रसिद्ध है? तो चित्तौड़गढ़ का है, जिसका निर्माण बनवीर ने करवाया था। अगर नवलखा पहाड़ आ जाए तो जयपुर का प्रसिद्ध है। अगर नवलखा बाग आ जाए तो बाग जो है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? हनुमानगढ़ का प्रसिद्ध है। अगर नवलखा किला आ जाए तो नवलखा किला कहाँ का प्रसिद्ध है? तो आप इसके अंतर्गत क्या लिखोगे? झालावाड़ जिला लिखोगे, जहाँ का नवलखा किला बहुत ही क्या रहा है, प्रसिद्ध रहा है। तो यहाँ नवलखे दरवाजे के तीन भाग जो है वो इस किले के अंतर्गत बनाए जाते हैं। इस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने लिखा है कि बाकी दुर्ग नंगे हैं और ये दुर्ग बख्तर बंद है। किसने लिखा है? अबुल फजल ने। कौन सी पुस्तक में लिखा है? आईने अकबरी। तो किसने लिखा? अबुल फजल ने। और अबुल फजल ने कौन सी पुस्तक में लिखा? आईने अकबरी में लिखा है। और आईने अकबरी में लिखा है कि ये दुर्ग बख्तर बंद है। एक शब्द याद रखना कि बख्तर बंद क्या होता है, यानी वह चीज है जिस दुर्ग के चारों ओर जो यानी बंद जो स्टेप होती है, उस बंद स्टेप को क्या कहते हैं? यानी बंद होता है चारों ओर से, बख्तर बंद है। और बाकी सब दुर्ग क्या है? नंगे है। ये दुर्ग क्या है? बख्तर बंद के नाम से इस दुर्ग को संबोधित किया जाता है। इस रणथंभौर क्षेत्र में एक घास पाई जाती है, खस घास, जो आपके कुल्लर है उन कुल्लरों में लगती है और उससे इत्र बनाई जाती है। इत्र बनाने का काम अजमेर में किया था, अन्ना सागर झील के किनारे जो गुलबदन बेगम, जो आपकी ये गुलबदन नहीं, वो अस्मत बानो जो थी नूर जहां की माता, उसने यानी कि इस घास घास से पहली बार इत्र बनाया था। एक बात कही जाती है कि इस रणथंभौर अभ्यारण्य को, सॉरी माफ करना, रणथंभौर किले को किसमें शामिल कर लिया गया था? यानी कि 2013-14 के अंतर्गत 2014 में इसे विश्व यूनेस्को धरोहर में शामिल कर लिया था। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? अंतर्राष्ट्रीय, या आप ये कह सकते हो संयुक्त राष्ट्र सांस्कृतिक शैक्षणिक वैज्ञानिक विकास परिषद इसका नाम है। यूनेस्को का गठन कब हुआ? 4 नवंबर सन 1946 को हुआ। इसका कार्यालय कहाँ है? पेरिस में। पेरिस कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। और भारत का पेरिस किसको कहते हैं? तो भारत का पेरिस कहते हैं किसको? जयपुर को। और जयपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो बाणगंगा नदी और गर्भवती नदी जो है, उन दोनों के मुहाने अलग अलग है, उनके किनारे बसा हुआ है, जिसे भारत का क्या कहते हैं? पेरिस कहते हैं। तो रणथंभौर को यूनेस्को धरोहर में 2014 में किया गया। 2014 में एक साथ कितने किले शामिल किए गए थे? तो एक साथ 6 किले शामिल हुए थे। 6 किलों के ट्रिक याद रखना, और उस ट्रिक का नाम क्या होगा? आगरा चीकू जैसा। आगरा चीकू जैसा शब्द याद रखना। आगरा शब्द से एक शब्द आएगा आमेर। 2014 की सेकंड ग्रेड में यह प्रश्न पूछा गया था, करंट जीके के अंतर्गत। उनमें यह पूछा गया, निम्न में से कौन सा किला हाल ही में यूनेस्को धरोहर में शामिल नहीं हुआ? फिर 2018 की राजस्थान पुलिस में पूछा गया, निम्न में से कौन सा दुर्ग यूनेस्को धरोहर में शामिल है? दो दो के जोड़े बना के दिए गए थे। तो आमेर, उसके बाद में है गागरौन, गागरौन के बाद में है रणथंभौर, रैस्यागर रणथंभौर थंभौर, उसके बाद में चीसे है चित्तौड़गढ़, कैसे है कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ के बाद में जैसा से शब्द एक आपका आता है जिसका नाम क्या होता है? जैसलमेर। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 किले हैं जो यूनेस्को धरोहर में शामिल हुए हैं। और उसमें आपका एक श्रेष्ठ किला भी शामिल होता है, जिसको आप क्या कहते हैं? रणथंभौर किले के नाम से विकसित करते हैं, या रणथंभौर किले के रूप से आपको ये शब्दावली यहाँ लिखनी पड़ती है। इस रणथंभौर क्षेत्र में
दूसरी एक चीज आती है कि राजस्थान के इतिहास के किले हैं, उन किलों में एक शब्दावली और जोड़ी जाती है, और वो एक किलों के अंतर्गत कई शब्द जुड़ते हैं। जैसे आपके एक शब्द आता है जैसे पासित, एक शब्द जुड़ता है पासित, एक शब्द जुड़ता है साबुत, साबुत है एक मजनिक शब्द जुड़ता है इसके साथ। ये कई शब्दावलियां दुर्ग के साथ यानी कि जुड़ती हैं, या शब्दावलियों में इनके प्रयोग आते हैं, तो उनको आप एक एक करके इसको आप देखेंगे और किस तरीके से आपके इसके आगे आता है। देखो पासिव शब्द क्या होता है, पहले ये देखिए, यानी क्या होता है कि उस समय जब किलों के निर्माण होते थे तो किले की आंतरिक स्थिति को देखने के लिए किले के बराबर एक ऊंचा चबूतरा बना देते थे, और उस चबूतरे से आंतरिक स्थिति को देखा जा सकता था, और उस आंतरिक स्थिति को देखने के लिए जो चबूतरा होता था उस चबूतरे को क्या कहते हैं, चबूतरा जो होता था वो चबूतरा था। जैसे राणा सांगा का चबूतरा कहाँ है, तो राणा सांगा का बसुआ में है, और नटनी का चबूतरा कहाँ है, तो नटनी का चबूतरा जो बना हुआ है गल की नटनी की छपरी जालौर में, और चबूतरा वहां बना हुआ है। तो जो यहाँ जो पासिव जो होता था वो ध्रुव पर यानी कि पत्थरों का एक चबूतरा होता था, यानी ये चबूतरा किसका था, पत्थरों का, क्या देखने के लिए, दुर्ग की आंतरिक स्थिति देखने के लिए इसका निर्माण होता था। दूसरी एक चीज होती थी इन पर साबुत, जैसे मान लो किले के बाहर से गोले दागे गए, या मान लो बाहर से कोई गोले दागे गए, तो किले के बाहर से, देखो बढ़िया चीज है, किले के बाहर से दागे गए गोलों को गोलों से रक्षा के लिए, रक्षा के लिए बनाए गए चमड़े के, चमड़े के उपकरण, यानी ऐसे दो लकड़ी होती थी, ऐसे यहां चमड़े का बना हुआ किला डालते हैं उसको ऊपर कर देते थे, गोला आता उसको वहीं रोक देता था। तो ये बनाए गए चमड़े के जो उपकरण हैं उस उपकरण को क्या कहा जाता था, यानी साबुत के नाम से इसको मेजिन जो साबुत कहा जाता था। दुर्ग की दीवार जो है उसको तोड़ने के लिए यानी पत्थरों की बौछार करने का एक शस्त्र होता था, यानी दुर्ग की जो दीवार होती थी, अब दीवार किसकी बनी होती है, पत्थर की दीवार है, अब ये तो कठोर दीवार है, तो पत्थर की दीवार को तोड़ने के लिए, क्या करने के लिए, तोड़ने के लिए, यानी उस पर क्या की जाती थी, बौछार की जाती थी। तो बौछार करने का जो यंत्र था, बौछार करने का यंत्र था, उस यंत्र को क्या कहते थे, मजनिक के नाम से इतिहास में इसको जानते थे और कहा जाता था। यानी कई बार ये साबुत पे एक शब्द और भी आता है, ये बख्तरबंद गाड़ियां भी होती थी, ये अगर इसकी जगह कई बार आपको बख्तरबंद गाड़ियां भी, अगर आपको शब्द भी लिखा हुआ मिल जाए, या शब्द के अंतर्गत इन शब्द का उल्लेख इसके अंतर्गत होता था। युद्ध के दौरान खिलजी सेना द्वारा ये प्रयोग में लाए गए थे, ये जो चीजें थी ये किसके द्वारा प्रयोग में लाई गई थी, ये खिलजी सेना के द्वारा। एक यहाँ पर और होता था जैसे गोफण जो होता था, ये भी जैसे गिलोल जैसा होता था, उस पर वार करने के किले के रूप में इनके काम में आता था गुलेल, ये जो होती थी। तो इस तरीके की बातें जो थी वो यानी इन किलों के साथ कुछ अच्छे शब्दों के रूप में जुड़ी हुई थी। जैसे आप पद्मावत फिल्म देखते हो तो उसमें जो इस तरीके से घुमा के उसके ऊपर वार किया जाता है उसको यानी कि गोफण के नाम से कंपटीशन के अंतर्गत कई बार ऐसे पूछे गए हैं। तो ये रणथंभौर रियासत की जो व्यवस्था है उसके बारे में यहाँ पर प्रश्न दिया गया था। पृथ्वीराज चौहान के पुत्र ने यहाँ पर क्या किया था कि रणथंभौर में एक शाखा की स्थापना की, और वो शाखा कौन सी थी, चौहान वंश था। चौहान वंश में गोविंद के बाद जो प्रसिद्ध राजा बने थे वो जेत्र सिंह बने, और जेत्र सिंह के पुत्र शक्तिशाली राजा बने थे उसका नाम क्या था, हमीर देव जो थे वो हमीर देव शासक बने थे। हमीर देव जो थे उसके पिता का नाम तो जेत्र सिंह है, इसकी माता जो है वो हीरा देवी थी। इसका घोड़ा जो है उस घोड़े को क्या कहा जाता था, बादल कहा जाता था। और इस हमीर देव का पुरोहित था, ये भी देखो कितना गजब है, पुरोहित इसका जो था वो विश्वरूप था। इसका गुरु जो था वो गुरु कौन था, विजयादित्य था। इसका गुरु कौन था, विजयादित्य था। घोड़ा बादल था, और इसकी पत्नी कौन थी, तो पत्नी का नाम था रंगा देवी जो थी वो इसकी पत्नी थी।
हमीरदेव के इतिहास जानने के स्रोत देखिए। अगर इस हमीरदेव के इतिहास को आपको जानना है तो देखिए हमीर महाकाव्य, ये किसने लिखा? नयन चंद्र सूर्य। लेकिन नोट लगा के अगर हमीर मर्दान पूछ लिया जाए तो वो लिखा था जयचंद्र सूरि ने 1326 में सिसोदिया वंश के, कौन से वंश के? सिसोदिया वंश के संस्थापक हमीर देव की जानकारी, हमीर सिसोदिया की जानकारी मिलती है उसे। ये चीज अलग है लेकिन बतानी जरूरी है साथ। फिर देखिए हमीर रासो, ये दो है भाई हमीर रासो, अब दोनों को मैं अलग अलग बताऊं आपको। देखिए हमीर रासो और हमीर रासो, ये जो हमीर रासो है इसको तो लिखा है जोधराज ने, कौन सी सदी में? 18वीं सदी में। इस जोधराज की छतरी भी मिली है 32 स्तंभों की। हमीर रासो दूसरा जो है ये है सारंगधर व्यास का, सारंगधर का, ये कौन सी का? 13वीं का, नीमराना में, मैंने बताया भी ठाकुर के नीमराना के रहने वाले। फिर हमीर बंधन, ये कैलाश नामक एक व्यक्ति है उसका लिखा गया। हमीर हार स्वयं हमीर देव ने लिखा, हमीर हार स्वयं किसने लिखा? हमीर ने लिखा था। फिर उसके बाद सुरजन चरित्र, चरित्र और हमीर हट, हमीर हट, ये दोनों किसने लिखी? चंद्र शेखर नामक व्यक्ति है, उस चंद्रशेखर नामक व्यक्ति ने हमीर हट लिखा। व्यास भंडारिक ने हमीर रायन लिखा था, व्यास भंडार, भंडारकर लिख दो, व्यास भंडारकर महोदय जो है या बढ़ाऊ जो है उसने हमीर शायन नाम की पुस्तक जो है वो उसके द्वारा रची गई है या लिखी गई है। तो कहा जाता है कि इतिहास में ये सारी पुस्तकें जो हैं वो हमीर देव के इतिहास की जानकारी देती है या पुस्तकें। क्वेश्चन काफी हो चुके हैं, आप इनको पढ़ेंगे और क्लियर करेंगे। अब रणथंभौर वाला पार्ट सेकंड जो है वो हम आपको कल बताएंगे। आपको मेरी बातें सभी अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी, मैंने 200 के लगभग क्वेश्चन कवर किए हैं, आप सभी को लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे, बढ़िया पढ़ेंगे। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी हर तरीके के कंपटीशन की गहराई से मैं पहुंचने का प्रयास करूंगा, जिनमें मेरे इष्ट देव, मेरे गुरुजनगण, मेरा संस्था परिवार सभी जो, और आप जैसे लोग जो पॉजिटिविटी से मुझे तो ताकत दे रहे हैं, उस ताकत से मैं आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूं इसी भावना के साथ कि आप मेरी पढ़ाई हुई बातों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और मेरे इस दिए गए ज्ञान को आप और अलग ज्योति के रूप में बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आपको साधुवाद, सलाम अलैकुम, वाहेगुरु, और सभी को सादर प्रणाम और आपको सादर नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।